मैं कर देती हूँ, अपने पास रख लेते हैं वो, बच्चे भी ज्यादा है ना उसमें, तो वो अपने अपने पास रख लेते हैं। तो मैंने दोनों को यहाँ पे अलाउ कर दिया है प्राची रास्ता को। रिकॉर्डिंग क्या करते होंगे मैम फिर? हाँ क्या हो रहे मैम रिकॉर्डिंग जैसे एक निकल ली तो सारे इसमें टेलीग्राम पर डाल देते फिर इतनी बार रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत? नहीं टेलीग्राम ग्रुप नहीं है ना, 12th क्लास में नहीं है। अच्छा वो आप पर्सनली करते हैं? हाँ वो पर्सनली करते हैं और अपने अपने दोस्तों को, मान लो किसी को चाहिए रिकॉर्डिंग तो भेज देते हैं, उनका अपना पर्सनल नंबर से भेज देते हैं उसको, क्योंकि मांगने में टाइम लगता है ना। आपके किसी को टेलीग्राम ग्रुप वहां पे नहीं, आपका 11th का बहुत अच्छी तरीके से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है ना, कि बहुत अच्छा है, मैंने देखा है टेलीग्राम ग्रुप बहुत अच्छा है। इस बार आपको मैं और एक बात बता देती हूँ, जब मेरी मोबाइल, जब मेरा मोबाइल अभी बीच में ये खराब हो गया था ना मोबाइल जो है, तो मुझे लग रहा था सारा डाटा निकल जाएगा, वैसे गैलरी सब कुछ, फोटोज वगैरह सब कुछ निकल गए, कॉन्टेक्ट वगैरह सब कुछ चला गया, बट टेलीग्राम रहा बिल्कुल। टेलीग्राम अभी भी जब मैंने उसको उसका जो ऐप डाला ना, सारे बैक जितने सारे हैं सारे आ गए हैं, इतने सारे पिछले के जो वीडियोस रिकॉर्डिंग है वो स्टोर है, कहीं नहीं गए हैं वो टेलीग्राम से। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा, एक बहुत बड़ा, एक अच्छा ऐप है ये टेलीग्राम जो है। अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है तो आप स्टोर कर सकते हो, ये फंसी जाता नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो जैसे बाकी सारे जो डाटा वगैरह है वो डिलीट हो जाता है ना, ये डिलीट नहीं होता है टेलीग्राम। हाँ वो नंबर से कनेक्टेड है ना इसलिए डिलीट नहीं होता। कहाँ से कहाँ पे कनेक्टेड है विंशु? मैम जैसे फोन नंबर डालते हैं ना टेलीग्राम जो हम खोलते हैं, अगर आप अनइंस्टॉल करके वापस। मैं समझ गई, प्रॉपर सिम से कनेक्टेड है ये पूरा, नंबर से पूरा, ठीक है, तभी वो जाता नहीं है। अभी मैं सोच रही थी ना कि ये सब कुछ प्रॉपर पूरा, मतलब उसका बाकी सारा डाटा निकल गया बट स्टिल इज देयर। सो एनीवे मैं अभी आपको क्या पढ़ा रही थी, एल्कीन का ओजोनोलिसिस, जिसे कहते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन कहते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H2, एल्कीन का O3 डाल देते हैं ओजोन मॉलिक्यूल को, और जिंक और H2 रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक, उसको उसके प्रेजेंस में काम चलता है। ऑल्सो दिस प्रोसेस नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है जो आप एंट्रेंस में पढ़ोगे, उसमें भी प्रोडक्ट थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट निकलता है, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ प्रोडक्ट बनता है ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलेगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसमें। तो ये सारे आप पढ़ोगे एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं, आपको फिर हायर जो उसमें है पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस ओजोनोलिसिस नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, व्हेनेवर एल्कीन इज एडेड, एल्कीन का होना बहुत जरूरी है, व्हेनेवर एल्कीन इज एडेड टू O3 मॉलिक्यूल, ओजोन जब जोड़ लेता है एल्कीन अपने पास एड कर लेता है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। एक एल्कीन बीच में डबल ब्रॉन्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ये दो आइदर दो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और दो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एल्कीन, डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप। इस टाइप का मतलब है कि ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, किस तरीके का एल्कीन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं। सबसे पहले मैं यही पे सारा आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी यहाँ पे। सबसे पहले मैं काम करते हैं, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको लेती हूँ एल्कीन लेते हैं, सबसे पहले सबसे सिंपल एल्कीन लेते हैं, एल्कीन से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को और देखते हैं कि क्या होता है। इसमें तो O3 डाल दो, ठीक है, तो O3 डालने के बाद जिंक H2O के प्रेजेंस में जब ओजोन मॉलिक्यूल डाला जाएगा, तो ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसे हम कहते हैं ओजोनाइड इंटरमीडिएट, दैट इज द ओजोनाइड इंटरमीडिएट बनता है, इथीन ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड क्या होता है, कैसे ओजोनाइड बनाते हैं, देखो क्या करना है आपको, जब यहाँ पे जब ओजोनाइड में बनाऊंगी तो कैसे बनता है ओजोनाइड, उसका फिर फर्दर रिएक्शन होकर फिर एल्डिहाइड कीटोन बनता है बाद में। CH2 है तो मैं क्या करती हूँ, डबल बॉन्ड CH2 लिख देती हूँ यहाँ पे, डबल बॉन्ड के लिए थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, और यहाँ पे दोबारा CH2 मैं लिख देती हूँ ऐसे। क्या करा मैंने, डबल बॉन्ड की जगह पे थोड़ा स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे। ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को ऐसे डाला जाता है और दूसरा ऑक्सीजन को इस तरीके से हम डालते हैं। 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं,
ठीक है, दिस इज माई इथीन ओजोनाइड, इसे कहते हैं ओजोनाइड कहते हैं, जो आपको हट टाइप का दिख रहा है ना, घर टाइप का नहीं दिख रहा है, देखो घर टाइप का दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा इजंट इट, ठीक है, ऐसे इस तरीके का एक ऊपर है, इस तरीके का पूरा बिल्कुल एक रिजेंबल कर रहा है हाउस को, घर को, छोटा सा घर को ये रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ओजोनाइड, इथीन ओजोनाइड की सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। क्या करा मैंने, जहां पे डबल बॉन्ड था थोड़ा गैप दे दिया, वहां पे दोनों मॉलिक्यूल दोनों स्पीसीज को मैंने लिख दिया CH2 CH2, तीन ऑक्सीजन को इस तरफ से मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकिंग प्रोसेस चलता है, रिडक्शन चलता है जिंक H2O के प्रेजेंस में, और क्या होता है यहाँ से आपको ऐसे ऐसे करके इसको ब्रेक कर देने हैं, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये वाला पोर्शन ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा अलग से, यहाँ पे H2O के साथ मिलके ये पेरोक्साइड H2O2 बनाएगा, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा H2O के साथ और H2O2 बना देगा। बाकी जो दोनों मैंने यहाँ पे ब्रेक करें, यहाँ पे क्या बनेगा CH2O, CH2 डबल बॉन्ड O, ये जो होता है इसको डबल बॉन्ड बना देना, CH2 डबल बॉन्ड O, ये जो सिंगल है इसको अभी जब ब्रेक करोगे तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्डिहाइड, हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O का मतलब क्या होता है एल्डिहाइड होता है, इसको मैं और तरीके से अगर लिखूं तो आई कैन राइट ये एल्डिहाइड बनेगा, ये CH2 मैंने एच एच दे दिया है, CH2 आ गया, HH और डबल बॉन्ड O आ गया, ये वाला क्या बनेगा दूसरा वाला, ये भी एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और साथ में ये क्या करेगा इसके साथ मिलके H2O2 बाहर आ जाएगा पेरोक्साइड। तो क्या मिला मुझे, दो एल्डिहाइड मिल गए, पहला वाला टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गए यहाँ पे। फिर अभी देखेंगे कि कीटोन कैसे बनता है, फिर देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर कैसे बनता है। डन है, ऑल क्लियर विद द कंसेप्ट, या ओजोन डाल दिया जिंक H2O के प्रेजेंस में, सबसे पहले ओजोनाइड बना, इस तरीके से मैंने ओजोनाइड बना दिया, थोड़ा सा इसको गैप देके लिख दिया, डबल बॉन्ड को यहाँ पे हटा दिया, CH2 CH2 लिख के इस तरीके से मैंने बना दिया। फिर मैंने H2O बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये वाला जो है एक एल्डिहाइड बन गया, मिथेनॉल बन गया, दूसरा वाला जो है ये भी एक एल्डिहाइड बन गया, इसको मिथेनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, मिथेनॉल कह सकते हो आप इसको, मिथेनॉल बन गया और आप इसे कह सकते हो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। दो मॉलिक्यूल ये भी है और ये भी सेम मॉलिक्यूल बन गए यहाँ, ठीक है, साथ में H2O बाहर आ गया। अच्छा तो दे सकते हैं आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल देंगे, इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बताओ, क्या बोलेंगे इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, तो आपको ओजोन डाल के दिखाना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको प्रोडक्ट मिला रहेगा और बोलेंगे रिएक्टेंट बनाओ, उल्टा रिएक्शन आपको करके दिखाना है। सबसे पहले तो सीधा वाला रिएक्शन सीख जाते हैं, फिर दो तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी में है पीछे आपका, जिसमें कि प्रोडक्ट मिला रहेगा आपको रिएक्टेंट मांगा जाएगा। अच्छा इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, अब चलते हैं और एग्जांपल में चलते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। देखो क्या बनेगा, मुझे बताना क्या बनेगा, थोड़ा कुछ आइडिया बन रहा है, देख लो। हेलो बारह साढ़े बारह बजे युद्ध चलता है, युद्ध चलता है, युद्ध
हो गया बच्चे, ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। किसका आया इसका प्रोडक्ट, क्या हमने मुझे बताना है? प्रोडक्ट आया बेटा अब इसका, क्या निकला इसका प्रोडक्ट? क्या इसका प्रोडक्ट बताओ, वास्तव बताओ, प्रोडक्ट बताओ मुझे इसका। क्या प्रोडक्ट आएगा? यस, आपको मैंने एक एक एग्जांपल दे दिया है मैंने, आपसे बन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है मुझे? This plus this games, बताओ क्या हुआ? हम सभी बताओ क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फिर मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं खुद बताऊंगी भी आप ट्राई तो करो, क्या बना आपको? नो रिस्पॉन्स, क्यों रिस्पॉन्स क्यों नहीं है विंशु? तुम बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा? पूरा मैंने बता दिया कि किस तरीके से ऑर्डर फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे। आस्था प्रेजेंट है? यस आस्था प्रेजेंट? यस मैम, बट मैम कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा बन नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है। इथेनॉल बनेगा बोल रहा है, बहुत अच्छा आयुष, बहुत अच्छा। इथेनॉल बनेगा, कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। किस तरीके से ये बनेगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या कहा कि इसको कैसे बनाएंगे हम, थोड़ा सा मैं आपको ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ा सा आपको बताने के लिए स्पेस चाहिए। काफी इजी है इसका फॉर्मेशन, कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉपर हम उसमें जाके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी क्या करना है, क्या मैं मैंने आपको पहले यहाँ पे लिख दो ये वाला, चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे बीच में आपको स्पेस दे देना है, यहाँ पे स्पेस दे देना है, सी एच सी एस लिखना है, थोड़ा स्पेस के साथ आपको सी एस सी एस यहाँ पे लिख देना है। क्या कहा मैंने, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है बीच में आपको थोड़ा स्पेस दे दो। उसके बाद ओजोन मॉलिक्यूल तीन एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो। तीन ऑक्सीजन आ चुका है यहाँ पे मेरा। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो और इस बॉन्ड को भी यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दो। दिस इज द ओजोनाइट, ये जो है ये एंटायर ओजोनाइट फॉर्मेशन हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे जब ZnH2O डालते हैं, जब ZnH2O डालते हैं तो क्या होता है, ये जो है CH3CH, मैंने क्या कहा है, ये जब बॉन्ड आप ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, कहा मैंने इसको डबल बॉन्ड O करना है आपको, यहाँ पे बताया था मैंने CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा। आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना इसको, क्या हो जाएगा ये CH3CHO हो जाएगा, मतलब इथेनॉल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये भी CH3CH डबल बॉन्ड O इथेनॉल बन जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हो, तो दोनों बिल्कुल सेम बनेंगे, ये जो बनेगा ये भी वही बन रहा है इथेनॉल। तो मुझे क्या मिलेंगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बनेगा, CH3CHO बनेगा। क्या लिख रहे आपको, CH3CHO लिख सकते हो आप इसको, दिखाना अगर आपको नहीं है सिंपली लिख दो CH3CHO, CH3CHO, CH3CHO।
क्लियर ना, तो ये बनेगा और साथ में क्या बनेगा H2O भी बाहर आ जाएगा, क्लियर है? ठीक है, CH3CHO भी बन जाएगा और H2O2 भी बाहर आ जाएगा, ऑल क्लियर नॉट? अभी थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है कि नहीं? ये रिएक्शन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, देख लो एक बार, एम सबरी प्राची देख लो एक बार, डन है ये? तो अभी तक मैंने क्या देखा, पहले वाले में भी दो एल्डिहाइड बन गया और सेकंड वाले में भी दो एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है? अब मैं आपको लेके चलूंगी, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां पे मिक्सचर बनेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो इसे प्लीज थोड़ा कंफर्टेबली आप डन कर दो, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे। और कितना टाइम बचा है मुझे देखना है सेशन के लिए? उसके बाद आपको एंटर नहीं करना है, ये लास्ट कर देंगे, ठीक है? ओजोनोलिसिस में ये आप देख लो, ये बना या अभी भी दिक्कत है देख लो ऊपर, किस तरीके से मैंने सबसे पहले ओजोन डालने के बाद ये ओजोनाइल बनाया, पहले इसको लिख के बीच का गैप दे दिया हमने, डबल बॉन्ड को हटा के थोड़ा सा गैप दे दिया, या फिर आप एक काम कर सकते हो पहले पूरे मॉलिक्यूल को लिख के इसको ऐसे रब भी कर सकते हो, तब भी ये गैप बन जाएगा, और उसके बाद दो ऑक्सीजन को ऐसे, तीन ऑक्सीजन को ऐसे करके आप जोड़ सकते हो, तब भी आप बना सकते हो, ठीक है ना? और उसके बाद आप ZnH2 डाल दोगे तो ओजोनाइट से फिर मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल है, तो यहाँ पे CH3CHO बन गया, दो एल्डिहाइड बन गया। तो दिस इज माय ब्यूट टू ईन, और ये मेरा बन गया है इथेनॉल। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों साइड जो है वो एक एक एल्डिहाइड एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में अगर मैंने चार कार्बन वाला स्पीसीज लिया है, यहाँ पे चार कार्बन वाला ब्यूटीन है, तो वो घट के फिर दो कार्बन वाले स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? इसको मैं रब करती हूँ, आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे करके दिखाना, ये डन है, ये मैं रब कर रही हूँ, ये दोनों। यस मैम, देखो एनसीईआरटी में ना इसका प्रॉपर एक क्वेश्चन है पूरा, खाली एक क्वेश्चन नहीं है, चार पांच क्वेश्चन खाली एनसीईआरटी में ओजोनोलिसिस को लेके है, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा वो क्वेश्चन आज मैं आपको दे दूंगी, आप देख लेना एनसीईआरटी में है, वो कल हम डन करेंगे फिर क्लास में, कैसे सॉल्व करा जाता है, हमको बिल्कुल आना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं और एक दे रही हूँ जहां पे कि मिक्सचर बनेगा, सो लेट्स स्टार्ट हियर, ठीक है? ये कौन सा प्रोडक्ट है देखना, ये कौन सा एल्कीन, सॉरी ये कौन सा रिएक्टेंट है, एल्कीन जो है ये 2-methyl-butene है, क्या है? 2-methyl-butene है, थोड़ा कंफर्टेबिलिटी रखो घर में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा एफर्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वन डे में पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी आपके, आपको प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं कि एक न्यूमेरिकल है फॉर्मूला दे दिया है और आपने न्यूमेरिकल फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है, ये इसमें नॉलेज चाहिए, क्लियर है? ये क्या हो जाएगा 2-methyl-butene पे आ चुकी हूं मैं यहाँ पे, इसको मुझे कर, इसका ओजोनोलिसिस मुझे करना है, एक मिनट बच्चा, हाँ एक मिनट, आपको दो मिनट को, ठीक है बच्चे? तो हमें क्या करना है, 2-methyl-butene पे जाना है और उसको ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दिखाना है, तो किस तरीके का रिएक्शन बनेगा, जिंक H2 जब डालेंगे तो सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा। अच्छा, आपको मैंने क्या कहा था, ओजोनाइड बनने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या लेना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। ये है CH3C, CH3 है, हम क्या करेंगे, CH3 है,
सी है, इस जो ब्रांचिंग है इस ब्रांचिंग को थोड़ा आप इस तरीके से टर्न करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा नीचे लिखा है, आप थोड़ा सा इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे करके CH3 जोड़ सकते हो। साथ में डबल बॉन्ड है, सबसे पहले डबल बॉन्ड दे देते हैं और उसके बाद CH3 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आप ये डबल बॉन्ड को बीच में मिटा देना, या फिर आप चाहो तो इसको पहले से ही लिखना ही मत, थोड़ा ये पहले लिख के दूसरे वाले को फिर स्पेस देके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस तरीके से आप डाल दो, ये है ठीक है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, ऐसे मैंने ले लिया। तीन ओजोन मॉलिक्यूल है आपको डालना, इस तरीके से ओजोनाइट फॉर्मेशन करना है। तो दिस इज द ओजोनाइट, कौन सा ओजोनाइट है, 2-methyl-butyl का ओजोनाइट स्ट्रक्चर है ये। अब बॉन्ड ब्रेक कहां पे करना है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक ऐसे हो जाएगा और ऐसे बॉन्ड ब्रेक ऐसे हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा H2O2 बनके, छोड़ दो। प्रॉप टू ओन प्लस इथेनॉल, हाँ प्रॉप टू ओन, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। प्रॉप टू ओन प्लस प्रोपेन टू ओन, बेटा प्रॉप टू ओन नहीं, प्रोपेन टू ओन आयुष, पूरा लिखना है ना, प्रोपेन टू ओन प्लस आपका जो आएगा इथेनॉल आ जाएगा, ठीक है। तो बना लेते हैं क्या बनेगा ओजोनाइट के बाद, इसको बॉन्ड ब्रेक करोगे, जब बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ये वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, इस तरफ का जो क्वेश्चन है क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो क्या बनेगा मैं आपको पूरा बता देती हूँ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ CH3, ये क्या है, ये हो गया कीटोन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा दूसरा वाला, ये वाला क्या बनेगा प्लीज, ये वाला क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, सेकंड वाला क्या बनेगा, ठीक है बच्चा, तो ये क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3 है ये, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, अभी तो आपको बताना, अभी तो आ जाना चाहिए, क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड ओ इथेनॉल बनेगा, CH3CHO बनेगा, CH3CHO बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 बनेगा, और दूसरा वाला CH3CHO बनेगा, isn't it? और साथ में H2O2 भी बाहर जाएगा, क्या हुआ, ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या बच्चे, ये तो बच्चे एक बार समझ जाते हैं, पूरा एक बार में समझ जाते हैं स्ट्रक्चर, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट, मैंने कैसे बॉन्ड ब्रेक करा, कैसे डबल बॉन्ड पे यहाँ पे ओजोनाइट फॉर्मेशन मैंने करा, और किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फिर मैंने कैसे इसको मॉलिक्यूल बनाया, आपने भी तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया है और ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3, एक ब्रांचिंग भी तो है ना, ध्यान रहे अगर डबल बॉन्ड के साइड में ब्रांचिंग है एक जगह पे तो वो कीटोन ही बनाएगा, ये कीटोन ही बनेगा 100%, और अगर ब्रांचिंग नहीं है डबल बॉन्ड की इस तरह ब्रांचिंग एक भी नहीं है तो ये सिंपल एल्डिहाइड बनेगा, एक बन गया एसीटोन बन गया या प्रोपेन टू ओन बन गया, और दूसरा वाला बन गया इथेनॉल बन गया या एल्डिहाइड बन गया बोल सकते हो। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये जो मेरा ये एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया जो कि ये वाला है एसीटोन या फिर प्रोपेन टू ओन, और ये क्या हो गया, ये इथेनॉल हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ऐसा भी एग्जांपल देखा जहां पे, अभी इससे पहले आपने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो कन्वर्ट हो रहा था, दोनों एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे थे, दोनों ग्रुप के बॉन्ड हो के दो एल्डिहाइड बन रहे थे। ये क्या है कि एक साइड जहां पे ब्रांचिंग हुई थी वो कीटोन बन गया और बिना ब्रांचिंग वाला जो है वो एल्डिहाइड बन गया। तो आपको अगर एग्जाम्पल एग्जाम में आता है कि ओजोनाइट ओजोनोलिसिस करो तो आपको ओजोनाइट स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाना पड़ेगा ओजोनोलिसिस का,
डन है, क्लियर है बच्चा? और एक दो कर पाओगे आप? और एक टाइम देखना कितना बचा है, टाइम देखो मैम, और 10 मिनट, और 10 मिनट है। मैं आपको और एक देती हूँ क्योंकि ओजोनोलिसिस थोड़ा क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ओजोनोलिसिस के बाद एक पॉलीमराइजेशन भी है हमारा, और एक देती हूँ फटाफट से करो, फिर मैं पॉलीमराइजेशन खत्म कराती हूँ, इसी के अंदर आ जाएगा। और 10 मिनट अभी बचा है ना, हो जाएगा उसी के अंदर। और कमिंग क्लास में आपको पढ़ाऊंगी अल्काइन में चलेंगे हम, एल्किन डन हो गया आपका, अल्काइन में चलेंगे। ये मैं रब कर लूं और दूं। अच्छा चलो, आप पहले एक काम करो, आपको मैं दे रही हूँ, लिखो 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 लिखो, आप लिखो लिखो आप लिखो। मैं आपको मॉलिक्यूल देती हूँ अभी, देखो, 3-methyl pent 2-ene का ओजोनोलिसिस करो। करके मुझे बताओ कि क्या बन रहा है 3-methyl pent 2-ene। हो गया 3-methyl pent 2-ene का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या बना? और जल्दी जल्दी पेन पेपर पकड़ो और कॉपी पूरा करके अपने सामने करके मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है। हो गया आस्था, बोलो क्या बना आस्था? आयुष बताओ, आयुष, प्राची, विंशु, हेम सबरी, मैम हो गया। आयुष क्या बता रहा है? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आयुष बोलो, आस्था बोलो, बोलो आस्था मैम, प्राची बोलो, प्राची बोलो बोलो, बताओ जिसको भी आता है बताओ। आयुष ने तो आंसर भेज दिया है मुझे, बाकी बताओ। विंशु बताओ, विंशु आंसर नहीं देती हो क्लास में बेटा, क्लास में अटेंटिव रहना चाहिए, टीचर पूछते हैं तो आपको आंसर देना चाहिए कि हाँ आपको जो भी आंसर आता है। मे बी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा आंसर जो है आपका सही आएगा, बट आंसर देना चाहिए, ठीक है? और हेम सबरी तुम कुछ टाइप करके बता दो, हेम सबरी टाइप करके बता दो मुझे। ठीक है बच्चा, ये आंसर आ गया आपका, कोई नहीं बताया, हेमसरी ने भी टाइप नहीं करा। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंट थ्री 3-methyl pent 2-ene का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बताओ। आस्था बोलो, आस्था बोलो, आस्था बोल रही थी कुछ, आस्था बोलो।
मैम सीएचसी की डबल बॉन्ड ओएच हाँ बोलो आस्था बोलो सीएस टू हाँ बोलो बोलो सीएस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सीएस टू सीएस थ्री हाँ और एक बार आस्था आस्था मुझे नाम बता सकती हो आईपैक नेमिंग बता सकती हो तुम मैम एक मिनट वही मैम मैं बना रही थी उसका हेम सबरी टाइप करके मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया चलो वेरी सिंपल इज दिस CH3CH डबल बॉन्ड सी CH3CH2CH3 इसमें मैं डालूंगी ओजोन डालूंगी ओजोन डाल दिया ये है 3 मिथाइल पेंट 2 इन है आपको दिख रहा है 3 मिथाइल पेंट 2 इन दिस इज माय 3 मिथाइल पेंट 2 इन 3 मिथाइल पेंट 2 इन है ठीक है उसमें ओजोन डाल दिया जिंक H2O डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बना इसको सबसे पहले ओजोनाइट बनाना पड़ेगा आपको तो क्या करेंगे डबल बॉन्ड तो बीच में है तो इस पोर्शन को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड के लिए मैं गैप दे देती हूँ यहाँ पे और साथ में जो ये नेक्स्ट वाला ग्रुप है इसको मैं लिख देती हूँ सी है सी एच टू है सी एच थ्री है और साथ में जो सी एच थ्री नीचे जुड़ा है इसको थोड़ा सा मैं साइड करके ऐसे डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ओजोनाइट बनाने के लिए ऑक्सीजन को जोड़ना है तीन ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन बीच में ऐसे डलेगा और नीचे ऐसे ऑक्सीजन डलेगा क्लियर है ठीक है अब ये है ओजोनाइट बन गया है अब इसका प्रोडक्ट मुझे बताना है मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक करना है और इस पोर्शन को यहाँ पे ब्रेक करना है आयुष ने मैसेज नहीं डाला आयुष सही बताता है आंसर ठीक है तो ये क्या बन गया मेरा इस तरीके से क्या बनेगा ये वाला पोर्शन क्या बनेगा CH3CHO बनेगा CH3CHO बनेगा और तो कोई ब्रांचिंग है नहीं यहाँ पे CH3CHO बनेगा इसका जो प्रोडक्ट है फिर इसको जिंक H2O डाल मुझे दिखाना पड़ेगा जिंक और H2O मुझे यहाँ पे दोबारा इसके साथ फिर मैं यहाँ पे बता इसके साथ फिर मैं जिंक H2O डाल दूंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा एक तो CH3CHO बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O बनेगा इथेनॉल बनेगा ये वाला क्या बनेगा CH3CH2 यहां से स्टार्ट करते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3CH2 इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बेटे घर में आप कॉपी पेन लेके बैठो और एनसीईआरटी के तीन चार क्वेश्चन है किसी के ऊपर बेस्ड ओजोनोसिस के ऊपर बेस्ड है एक बार प्लीज कर दो उसे CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3CH2C double bond O CH3 क्या बन गया एक तो इथेनॉल बन गया और ब्यूटेन टू ऑन बन गया एक इथेनॉल बन गया और एक हो गया ब्यूटेन टू ऑन हो गया एक हो गया आपका इथेनॉल और दूसरा हो गया ब्यूटेन टू ऑन हो गया और ब्यूटेन ऑन बोल सकते हो ब्यूटेन टू ऑन है ये चलेगा कोई दिक्कत नहीं इतना है और ब्यूटेन है तो यहाँ पे मिक्सचर पाइल दिया है कीटोन बन गया आफ्टर ओजोनोलिसिस डन है क्लियर है बच्चा तो किस तरीके से हम ओजोनोलिसिस करते हैं ठीक है ओके तो ओजोनोलिसिस मैंने आपको करा दिया है तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल दे सकते हैं कई बार ऐसे प्रोडक्ट दे देंगे कि एक ओजोनोलिसिस रिएक्शन चल रहा है और वहां पे इथेनॉल बन के निकला है बाहर प्रोडक्ट जो है वो इथेनॉल है और ब्यूटेनॉल है व्हाट इज द रिएक्टेंट पूछा जाएगा आपको आपको उल्टा रिएक्शन करके देखना पड़ेगा क्या करना पड़ता है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है सबसे पहले कि आपको प्रोडक्ट दिया है और दोनों प्रोडक्ट आप बना के देख लेना कॉपी में बनाने के बाद ये डबल बॉन्ड ओ है ना और ये डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा देना
और यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा देना और सी डबल बॉन्ड सी कर देना और जोड़ देना सबको, पूरा बाकी जो है ये बाकी उसके साथ आ जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप एक काम करो कि मैं कल आपको दोबारा कराऊंगी कि प्रोडक्शन रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, बट उसके लिए आज आपको घर में थोड़ा ओजोन प्रोसेस को प्रैक्टिस करके आना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खाली मैं यहाँ पे कराऊंगा समझ में नहीं आएगा। आज मैं एक काम करने जा रही हूँ, ओजोन प्रोसेस मैंने करा दिया है, आज मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी अपलोड कर दूंगी, उसे घर में कर लेना, दैट इज बेटर। हो जाए सारा डन, इजी है बेटा, ये बच्चे बड़े मजे से इसको करते हैं, इस तरीके से होता है और डन होता है ये। क्लियर है ना बच्चा? तो कंफर्टेबिलिटी है कि नहीं ओजोन प्रोसेस में, कंफर्टेबिलिटी है कि नहीं?